सो दोस्तों, स्वागत है भाई आप सभी का आपका चैनल स्मार्ट पंकज एडिटर में स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सबको सिखाने वाला हूँ दोस्तों कुछ इस टाइप का फोटो एडिटिंग। दोस्तों इस टाइप का फोटो एडिटिंग फेस स्मूथ, फेस वाइट, फेस येलो टून कैसे कर पाइएगा। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, एंड तक देखिएगा। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सब लोग, और साथ पर उस बेल आइकन को दबा दीजिएगा इस टाइप का फोटो एडिटिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस फोटो को आपको सबसे पहले फोटो को शेयर करके लेकर चला जाना है फ्रेंड्स, यहाँ से स्नैपशीट एप्लीकेशन में। ठीक है दोस्तों, टूल पर जाना है दोस्तों, टूल इमेज पर जाना है, इसका थोड़ा एम्बियंस को थोड़ा हाई कर देना, 100 क्लिक कर देना, डन पर क्लिक कर देना। डन पर क्लिक करने के बाद टूल पर जाना है, टूल कंटेंट पर जाना, इसको यहाँ टूल कंटेंट पर यहाँ से 50 करीब रख देना, डन पर क्लिक कर देना। इतना काम करने के बाद दोस्तों यहाँ से इस फोटो को शेयर करके लेकर चला जाना है लाइटरूम एप्लीकेशन में। तो दोस्तों यहाँ पर मैं लाइटरूम एप्लीकेशन पर लेकर आ गया हूँ। आने के बाद दोस्तों यहाँ पर मैं आप सबको एक पीसेट दूंगा। ठीक है दोस्तों, मैं आप सबको पीसेट देना नहीं चाहता था दोस्तों, मगर यहाँ पर मुझे दोस्तों यहाँ से एडिट यानी कि दोस्तों इस टाइप का करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इसी वजह से आपका फ़ोटो एडिट करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, आप सबको बताने में तो काफ़ी वीडियो लंबा भी हो जाता। तो दोस्तों उसको पीसेट को आपको क्या करना है, थ्री डॉट पर क्लिक करना है। यहाँ पर कॉपी सेटिंग है ना दोस्तों, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर दोस्तों फोटो पर आ जाने के बाद यहाँ ट्रेडर पर करना है, यहाँ पर कॉपी सेटिंग करने ना है तो उसका पीसेट कॉपी हो जाएगा। तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देना, यहाँ से आपको पेस्ट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, प्योर सेटिंग, तो इस पर क्लिक कर देना है, आपका एकदम परफेक्टली हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर मेरा हो चुका, शेयर पर क्लिक कर देना है, इस फोटो को शेयर करना है आप सभी को, ऑटोडेस्क एप्लीकेशन पर ओपन कर लेना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं ऑटोडेस्क एप्लीकेशन पर ओपन कर लेता हूँ। तो ऑटोडेस्क एप्लीकेशन पर ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर टूल का ऑप्शन पर जाना है, ये टूल को आपको ले लेना है स्मूथ का। ठीक है दोस्तों, 14 नंबर पर मिल जाएगा, यहाँ से इस टूल को ले लेना है। देख सकते हैं, इस टूल को लेने के बाद सेटिंग पर जाना है, सेटिंग यहाँ पर देख सकते हैं फोटो को 4 रख देना, आप इसका स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं वीडियो को रोक करके। ठीक है, तो इसको लेने के बाद फ़ोटो को कर देना है जूम, साइज अपने मुताबिक से रख दीजिएगा। तो यहाँ पर मैं अपना साइज इतना करीब रख देता हूँ। इतना करीब रखने के बाद इस टाइप से आप सभी को चेहरे पर पेंट कर लेना है। ठीक है, ब्रश उठा उठा के चलाना एकदम, यानी उठा उठा के नहीं दोस्तों, आपको एकदम बैठा के चलाना है। ठीक है, नहीं तो आपका फ़ोटो काफ़ी ख़राब हो जाएगा। और ये फेस स्मूथ करने के लिए दोस्तों आपका मोबाइल काफ़ी पिछड़ना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यानी कि सरकना चाहिए, सरकेगा तभी आपका ब्रश का यानी कि अच्छे तरह से आपका फ़ोटो एडिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस तरह से थोड़ा आप सभी को करके दिखा देता हूँ। आपको ब्रश नहीं सरक रहा है तो दोस्तों आपको यहाँ से क्या करता है, पबजी जी जो बंदा खेल रहा है तो उसको क्या करता है दोस्तों कि इस तरह से पाउडर आप अपना मोबाइल पे दे दीजिएगा टच पे। ठीक है, देने के बाद दोस्तों आपका टच काफ़ी यानी कि यानी पिछड़ने लगेगा, आपका काम अच्छे से हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पर मैं वीडियो को थोड़ा फॉरवर्ड कर देता हूँ फास्ट। तो दोस्तों यहाँ पर मैं कर लिया हूँ, थोड़ा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था। ठीक है दोस्तों, तो इतना काम करने के बाद दोस्तों यहाँ से एक टूल पर क्लिक करना है, इस लेयर पर क्लिक करने के बाद एक प्लस का आइकन पर एक एनटीआर ऐड कर लेना, नॉर्मल पर रहेगा तो आपको यहाँ से ब्लेंडिंग पर क्लिक करके सॉफ्ट लाइट सेलेक्ट कर लेना। इस तरह से ब्लेंडिंग पर जाने के बाद कर लेने के बाद यहाँ से इसका कलर पर जाना है, कॉपी यहाँ पर चला जाना है, फिर इसको ले लेना है और 0 पॉइंट ले लेना है। इसको गौर से देख लीजिए दोस्तों, यहाँ से इसको R00 ले लेना है स्पीड। ठीक है दोस्तों, ये 3 नंबर पर आ जाना है। इतना आने के बाद दोस्तों यहाँ से ब्रश पर जाना है। ठीक है, सॉरी, इस ब्रश पर जाने के बाद इस यहाँ पर आपको ब्रश ये वाला सिलेक्ट कर लेना है दोस्तों, ये वाला देख सकते हैं, इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसका सेटिंग पर जाना है, सेटिंग इतनी ही रख लीजिएगा। इतना रखने के बाद दोस्तों यहाँ से इसका साइज को छोटा बड़ा करके इस तरह से आप अपना चेहरे पर इसको अप्लाई कर देना है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से
तो यहाँ पर मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं थोड़ा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था, ठीक है दोस्तों, ना काफ़ी लंबा हो जाता। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह से आपको भी कर लेना, पोल पे नहीं लेना है, ना ही इस चश्मे पे लेना है, ठीक है। इसको सिर्फ फेस पे अप्लाई कर लेना। इतना काम करने के बाद दोस्तों इस लेयर पर जाना, इस लेयर पर क्लिक करके, ठीक है दोस्तों, यहाँ से एक मिल रहा HDR एडजस्टमेंट, तो इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से आपको थोड़ा 20 करीब रख देना है, ठीक है दोस्तों। इसको थोड़ा इंक्रीज कर देना, इसको भी थोड़ा इंक्रीज कर देना, ठीक है। इसको वाइट आप यहां से भी कर सकते हैं, यहां देख सकते हैं, यहां से फेस का कलर थोड़ा वाइट येलो टून जैसा आ रहा है, तो आप जो भी टून ले सकते हैं यहां से। तो यहां पर मैं कोशिश करूंगा कि ये ही टून लीजिए, मैं जो अपना फेस पे अप्लाई किया हूं, तो यहां से मैं थोड़ा इसको ये ही टून ले लेता हूँ, उसको थोड़ा बढ़ा दिया, ठीक है दोस्तों। इतना करके डन पर क्लिक कर देना है, ठीक है दोस्तों। इतना काम करने के बाद फिर से आपको इस टूल पर क्लिक करना है, यहाँ से इसका हार्डनेस फुल रहेगा तो आपको यहाँ से 50 करीब रख देना है। नीचे की तरफ आप स्क्रॉल कीजिएगा दोस्तों, जहाँ से आप थोड़ा इसका ब्राइटनेस को बढ़ाते हैं, तो थोड़ा थोड़ा इसका कम करके, आपको ये कोई नहीं बताया होगा दोस्तों, ठीक है, आप सभी को कोई नहीं बताया होगा, मैं काफ़ी को देखा हूँ, ठीक है। तो इसको इस तरह से जहाँ जहाँ आपका फेक इससे ना लगे, ठीक है, ये अप्लाई करने से आपका फ़ोटो फेक नहीं लगेगा, ठीक है दोस्तों। इसको थोड़ा थोड़ा आप सभी को अप्लाई कर लेना है, जो कि फेक ना दिखने में लगे, ठीक है। यहाँ से मैं इसको अप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये फेक नहीं लगता है दोस्तों। इस तरह से आपको कर लेना है थोड़ा थोड़ा, तो यहाँ पर मैं कर लिया। करने के बाद दोस्तों सॉरी ये आ चुका है, तो इसको इतना कर लेना है दोस्तों। इतना करने के बाद दोस्तों आप अपना बैकग्राउंड फ़ोटो का रिमूव कर लीजिएगा, या मैं उसका ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हूँ तो आप लोग देख लीजिएगा। तो मैं इतना काम कर दिया हूँ दोस्तों, तो अब मैं यहाँ पर बैकग्राउंड चेंज करूँगा, तो दोस्तों वीडियो काफ़ी भाई लंबा बन जाएगा, तो आप ही लोग नहीं दिखेगा, इसी वजह से मैं उसको करूँगा तो दोस्तों काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसका बैकग्राउंड रिमूव करना पड़ेगा। तो मैं नहीं चाहता हूँ दोस्तों कि वीडियो काफ़ी लंबा बने, ठीक है दोस्तों। वीडियो लंबा बन जाता है तो काफ़ी लोग नहीं दिखने लगता है, ठीक है दोस्तों। तो आपको इतना आप बैकग्राउंड अपना रिमूव कर लीजिएगा, रिमूव करने के बाद उस बैकग्राउंड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से आप लोग उसको डाउनलोड करके अपना बैकग्राउंड पर सेट कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड। तो ये दोस्तों, तो इस फोटो को आपको शेयर करके बैकग्राउंड रिमूव करके आप उस पर ऐड कर लीजिएगा। तो ऐड करने के बाद दोस्तों इस फोटो को आप बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद ऐड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं नहीं किया, तो आप लोग कर लीजिएगा, टूल बीज एप्लीकेशन ओपन कर लेना, इसमें थोड़ा ओएल प्रिंट मार देंगे दोस्तों, तो जो कि काफ़ी देखने में गजब लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको इस पर आना, इफेक्ट का ऑप्शन पे दोस्तों, यहाँ से इफेक्ट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करना है, सॉफ्ट स्मूथ पर क्लिक कर देना है दोस्तों। इतना क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से, ठीक है दोस्तों, इस पे आ जाना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ से 5 नंबर या 3 नंबर को आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो 5 नंबर मेरा ठीक है एकदम। तो यहाँ पर एम मैक्स पर आना है, यहाँ से क्लीन कर देना है, क्लीन का ऑप्शन पर क्लीन कर देना है, यहाँ से अप्लाई ब्रश चूस अपने से हो जाएगा, और इसको अपना फिर यहाँ पर हेयर पर इसको अप्लाई कर देना, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों अप्लाई कर देना अपना हेयर पर, ऑयल प्रिंट देखने में काफ़ी अमेजिंग लगता है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आपको अपना हेयर पर इसको ऑयल प्रिंट कर लेना है, जो कि काफ़ी देखने में अमेजिंग लगता है। इसको फेस पे भी अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों, ये ऑयल प्रिंट फेस पे भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ दोस्तों, यहाँ पर मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, ठीक है दोस्तों। आपको यहाँ पर फेस पर इस तरह से पूरा दोस्तों, यहाँ पर आपको सिर्फ यहाँ पर अप्लाई कर लेना है, थोड़ा अपना पोल पे अप्लाई कर लेना है, और यहाँ पे ब्रांड पर कर लेना है, ठीक है दोस्तों। गाल पे कर लेना है, ठीक है, इस पर कर लेना है, यहाँ पे लिप्स पे नहीं करना है, यहाँ पर चश्मा पे नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। इसको अप्लाई नहीं करना है। इतना करने के बाद यहाँ से इफेक्ट पर आ जाना है, यहाँ से आप 6 भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, 6 भी काफ़ी अच्छे लगता है, तो मैं 6 ही रख लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। डन पर यहाँ से कोने का ऑप्शन पर डन का ऑप्शन है, तो उस पर आपको क्लिक कर लेना है। करने के बाद दोस्तों ये फ़ोटो सेव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा सेव हो चुका है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कितना फ़ोटो ऑयल प्रिंट हो चुका है,
फेस भी कितना येलो टून आ चुका है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। इस फोटो को यहाँ से सेव कर लीजिए, यहाँ सेव का ऑप्शन है, यहाँ से अपना फ़ोटो को सेव कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, दिल से शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। ऐसे ही मेरे पर प्यार बनाए रखिए, आपका ही चैनल है दोस्तों, ऐसे ही मुझ पर प्यार बनाए रखिए दोस्तों। मैं आप सबको काफ़ी अच्छा फ़ोटो एडिटिंग वीडियो आगे चल के लेकर आऊँगा, तो आप बहुत ही अच्छे से सीख जाइएगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक कोई भी भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, जो जो चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं कुछ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।